अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खाना। सबसे पहले बात की जाएगी ताजरों के हवाले से, तिजारत के हवाले से, बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, क्योंकि बड़े सारे तहफ़ुज़ात गुज़िश्ता दिनों देखे गए, हड़ताल भी देखी गई, कहीं पर हड़ताल की कॉल वापस ली गई, कहीं पर लॉलीपॉप दिया गया गवर्नर सिंध की जानिब से, कहीं पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा कि हम मुतालबात जो मुज़ाकरात होने हैं उनके मुतालबात माने जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मामलात हैं जो तय नहीं पाए गए। मामला असल में है क्या, उसको भी डिस्कस करना पड़ेगा, मामलात को उनकी छानबीन भी करनी पड़ेगी। माजी में किस तरह से मामला चलते रहे ताजिरों के हवाले से, सही थे गलत थे, इसके ऊपर कहना कबल इस वक्त होगा। आज मैं समझता हूं कि तमाम चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। और ये जो टैक्स का मामला है कि टैक्स अदायगी का मामला, ये बेसिकली है क्या, पहले टैक्स नहीं दिया जाता था या फिर टैक्स की अदायगी का कोई और नया सिस्टम था, अब ये जो हर दुकानदार के लिए, हर ताजिर के लिए टैक्स मुख्तस कर दिया गया है, उसके ऊपर क्यों तहफ़ुज़ात है ताजिर बिरादरी को, हड़ताल भी जो है वो देखी गई है और हड़ताल के हवाले से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी नजर आया, टूट फूट का शिकार भी नजर आए ये ताजिर बिरादरी, कहीं पर प्रो नजर आए तो कहीं एंटी नजर आए हुकूमत के, अब क्या मामलात हैं, सारी बातें हैं, तमाम चीजें आज डिस्कस करनी है, क्योंकि ये मामला और ज्यादा संगीनियत की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। इसी जमीन हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, सदर ऑल कराची अंजुमन ताजरान इत्तेहाद और ट्रेड अलायंस के भी ये सदर हैं, इलियास मेमन साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने आज वक्त निकाला और इस मामले को आज डिस्कस किया जाना चाहिए। ये टैक्स अदायगी का मामला है, ये इतने इख्तलाफात क्यों हैं, ये ऐसा कौन सा मामला है कि ये टैक्स जो लगाया गया है इजाफी टैक्स लगा दिया गया है या माजी में ये टैक्स नहीं हुआ करता था? टैक्स तो बिस्मिल्लाहिर्रहमान, टैक्स तो मैं कहता हूँ ताजी बैठ टैक्स तो बिल्कुल देती है। जैसे बीच में हमने गवर्नर हाउस में सबल जरी से मुलाकात करी थी तो उसमें हमारी काफ़ी तेज मुमताज झगड़ा भी हो गया, तेज राजी भी हो गई। मैंने उनसे एक सवाल करा कि ताजी टैक्स कह लें, मैंने कहा जो के इलेक्ट्रिक के एसी के मीटर लगे हुए हैं उसमें तक 50 से 60 लाख, कह लें 36 लाख, चलो मैंने कहा 36 लाख ही लगा लो, 36 लाख आदमी टैक्स तो दे रहे, कहने वो टैक्स वो नहीं गिना तो वो फाइलर नहीं है, तो मैंने आप फाइलर बना लो उसके। मैंने हम जितना टैक्स देते हैं कुछ भी देते हैं आप बोलते मानते नहीं हो, टैक्स देने को हम तैयार हैं, देखो रास्ता ऐसा टैक्स का निकाले बिल्कुल हम टैक्स देंगे, ये जब रास्ता निकाल लेंगे कि इसमें यानी कि डॉक्यूमेंट भी करेंगे, फलाना भी करेंगे, फिक्स टैक्स भी करेंगे, इनकी एक जबान ही नहीं है। और मैं ये भी सुना सबल जेदी जाने वाले इनकम टैक्स की बात हो रही है यहाँ पर, इनकम टैक्स दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता है, बिल्कुल सब दुकानदार देते हैं। मेरे को तो आप जितने भी कंफर्म है ये बात, बिल्कुल जितने भी दुकानदारों पे मीटर लगे हुए हैं वो सब टैक्स देते हैं, तो फिर नॉन फाइलर करे ना, हम तो मना थोड़ी करते हैं, ये पैसे कहाँ जाते हैं, किस मद में जाते हैं? एक किसी मॉल का 9-9.5 लाख रुपए का बिल आया, इस पर 2,70,000 रुपए का टैक्स लगा हुआ था। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं या साहब, जो इनकम टैक्स भरता है ना वो फाइलर होता है, जो सालाना इनकम टैक्स भरेगा वो फाइलर है, लेकिन खान साहब तो कह रहे हैं कि यहाँ तो फाइलर मौजूद ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ताजिर बिरादरी इनकम टैक्स अदा नहीं कर रही है? ताजिर टैक्स देती है 100% कहाँ देती है, लिखा काली भेड़े हैं, इसमें भी तो काली भेड़े हैं, हमारे अंदर भी काली भेड़े हैं, आप मानने के हमारे में भी काली भेड़, उसमें भी काली भेड़ है, किसमें? एफबीआर के अंदर। तो सर यही तो बात है, इसी को तो एडमिट करना है कि नहीं दिया जाता ना, तो कह रहे हैं हमारी ताजी बिरा से मुलाकात करें, हमसे मिले, हम टैक्स दिलवाएंगे इनको, टैक्स से पाबंदी नहीं है, लेकिन ये गन पॉइंट पे टैक्स लेंगे, अगर ये गन पॉइंट पे टैक्स देंगे तो हम गन पॉइंट पे टैक्स नहीं देंगे इनको, समझ में आई? आपकी मुलाकात गवर्नर साहब से नहीं हुई? गवर्नर साहब ने सब जेदी से मुलाकात कर दी, उसे इमरान खान भी आया, इमरान खान तो ऐसे छोटे ताजिरों को समझ रहा था पता नहीं क्या, एक साल पहले हमारे साथ खड़ा हुआ था धरने के अंदर, ये जो हमारी जो गवर्नर साहब जो है अभी आपको आप जो मेरे के मैं तो बोलो फोकट में गवर्नर साहब बन गए, वो हमारे साथ खड़े हुए थे, वो तो हमें सबसे जल्दी से मुलाकात करके हमको फारिग कर दिया, हमसे तो नहीं मुलाकात करिए गवर्नर साहब ने हमसे कोई नहीं। तो खान साहब का ये जो फैसला है ये फाइलर और नॉन फाइलर और ये टैक्स अदायगी का इसी पर तहफुजात है ना भाई? तहफुजात तो बहुत सारे तहफुजात, क्या क्या तहफुजात है आज आप खुलकर बोलिए मेरे प्रोग्राम में। एक ये कहते हैं कि सनातनी कार्ड की शर्त रखे, अब सनातनी कार्ड की शर्त कौन सनातनी कार्ड देगा, हमारी दुकान पे आएगा क्या सबको सनातनी कार्ड मांगेगा? वो तो बोले हम सनातनी कार्ड देंगे नहीं, वो तो मना कर देंगे, वो तो कह रहे 50,000 से ऊपर 1,00,000 से ऊपर कोई भी मसले वाली बात है, आप फिक्स टैक्स कर दें, हम टैक्स देने को तैयार हैं, ए बी सी डी 4-5 की क्रेडिटरी बना दें, हम टैक्स देने को तैयार, हम खुद आपको टैक्स दिलवाएंगे। ये तो फिर मसला क्या है, जब टैक्स एक मुख्तस किया गया है ना, एक रकम रखी गई है, एक परसेंटेज रखा गया है जो आपने अदा करना है,
पर्सनल क्या पर्सनल रखा गया है, कुछ कभी कल कुछ बोलते हैं, परसों कुछ बोलते हैं, कभी यू टर्न नहीं लेते हैं, कभी आप लोगों की जाने से तो ये कहा गया कि ये टैक्स किया जाए, वापस लिया जाए, ये फैसला सरकार का फैसला वापस ले, इजी टैक्स कर दे, नॉर्मल टैक्स सब टैक्स, इनको चार गुना टैक्स मिल जाएगा, चार गुना, जो 25,000 देगा वो 50,000 देगा, जो 30,000 देगा वो 50,000, जो 1,00,000 रुपए देगा वो 1,25,000 देगा टैक्स, सब टैक्स देंगे। मतलब कहीं मामला गलत चल रहे थे, मामला गलत तो उन्होंने करे ना, हमने थोड़ी पॉलिसी पहले से पॉलिसी बनी हुई ना, जो 70 साल में जो IMF के दबाव के अंदर हमको दबा रहे, IMF का पैसा हमने थोड़ी खाए पैसे, जो आपकी जो 70 साल से पैसे खाने का उनको पकड़े, उनको भी सजाएं नहीं मिली हुई है, खाली उनको जेल में बंद करके पैसे वसूल कर रहे हैं। ताजिर बिरादरी सारी इकट्ठा हो जाए, वो कह दे कि हम फाइलर बनने के लिए तैयार हैं, हम बन जाएंगे, हम तैयार, हम दिलवाएंगे फाइलर, हम दिलवाएंगे इनको, हुकूमत को हम दिलवाएंगे, ये मानते कहां है, किसी बात पे मानते कहां है, जो मानने वाली बात ही नहीं करते, नहीं कर सके वो मेरे प्रोग्राम में बैठ के कर रहे हैं, आपके फाइलर बनने के लिए तैयार, तो मसला ही खत्म हो गया फिर, तो नहीं बनेगा, ये करने वाली बात ही नहीं। आप प्रोफेशनल, वो प्रोफेशनल टैक्स वाले हैं, वो कहते हैं ये डॉक्यूमेंट, ये कितने 42 किस्म को हम टैक्स दे रहे हैं, 42 कौन कौन से टैक्स को अदा करें, एक 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 अच्छा, ये जो ताजिर एक्शन कमेटी है, इसके काफी सारे मुतालबात थे, 11 मुतालबात पेश किए गए थे, जरा मैं जानना चाहूंगा ये क्या क्या मुतालबात है, ताकि मसला तो पता चले, मसले की जड़ तक तो पहुंचे, हड़ताल कर दे, कोई हल तो नहीं है ना। इस वक्त कारोबार की हालत इतनी बुरी है, बिल्डर का काम खत्म, गाड़ियों का काम खत्म, मोबाइल का काम खत्म, हमारा कारोबार खत्म, आप खुद सोच रहे आदमी किस तरह कारोबार करेगा, क्या करेगा, छोटा आदमी जो 15,000-20,000-25,000 में मोबाइल वाला काम, वो भी कारोबार खत्म हो, गाड़ियों का काम खत्म हो गया, बिल्डर का काम खत्म हो गया, स्टॉक एक्सचेंज का कल मेरे उसको व्हाट्सएप पे मैसेज सुन रहा था, वो बेचारे रो रहे हैं कि बड़े बड़े को फाइलें खोल दिए, इसलिए हमारा को सुना हुआ नहीं जा रहा, तो भाई आदमी कितना काम करेगा, किस किस को इमरान का चारों तरफ से घेर लेगा। पहले आप बताए पिछले साल ही धरने में नहीं बैठे होते, इन्होंने बिलें नहीं चलाई हैं, इन्होंने सब कुछ, ये सदर मोहतरम साहब बैठे हुए, इन्होंने हड़तालें नहीं करी हुई है क्या, हमारी हड़ताल को डर लग रहा है, हड़ताल करने को लग गया, और सपोर्टर कौन था उसका, कौन, इमरान, आपने कहा कि साथ खड़े होते थे, हमारे साथ थी नहीं थी धरने में, सबको सबके सामने आपके आपकी आपकी मीडिया ने दिखाया है ना, दिखाई गवर्नर साहब खुद, ये आप सदर मोदी ने कहा कौन नहीं बंद करता, हमने नर्सरी बंद करवा दिया, हमने ये बंद करवा दिया, हमने वो बंद करवा दिया, उसको उस वक्त कोई नहीं पूछा जा रहा, हम धरना कर रहे हैं तो पीछे नादिर हुकूमत आ रही है, दुकानें खुलवा रही है, मैं कैसे दुकानें खुलवा रही है, अब पछताए क्या हो, जब चुड़िया चुक गई खेत, अब हल बता दीजिए क्या है, ताजिर बिरादरी क्या चाह रही है, हल ये चाह रही है कि हमारे साथ एक विंडो में हमारा टैक्स कर दे, हम टैक्स भरने को तैयार है, हमें को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ये IMF को दबाव करने सारा काम कर रहे हैं, सारे टैक्स हम IMF को दबाव को लगा रहे हैं, किसी से प्रेशर डलवा रहे हैं, हम तो पाकिस्तानी लोग हैं मेरे भाई, पाकिस्तान में टैक्स लगाओ ना, आराम से टैक्स लगाओ ना, हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इतनी बड़ी बनी हुई है, इसमें सिराज का असम तेली हमारा बड़ा है, वहां बैठ के फैसला करो, सब मानने को तैयार हो जाएंगे, ये नहीं तो सबने मिलकर करना है ना, 15 लाख टैक्स पेयर है हमारे पास, 20 करोड़ की आबादी में, छत्तीस लाख तो गिर रहे हमारे पास मीटर डायरेक्ट टैक्स मिल रहा है, वो क्यों नहीं गिन रहे टैक्स को मेरे, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, वो चोर खाने में पैसे जा रहे हैं क्या, कहाँ जा रहे हैं पैसे, ये बताइए आप, किस तरह पैसों किस हिस्सा वाले मत में बताते यार, हमारे पास 36 लाख आदमी का टैक्स है, ये बिल के अंदर ये पैसे आ रहे हैं, इतने हमारे पास पैसे आते हैं, आप मेहरबानी करिए ये बताएं, इन्होंने कभी साफ बताया इस चीज का, साहब इन्होंने कभी साफ ही नहीं बताया इस चीज का, ये नहीं तो सेल्स टैक्स भरना वो तो सब भर रहे हैं ना, अब इनकम टैक्स की बात हो रही है, आप लोगों के बारे से बात हो रही है, 17% सेल टैक्स लगाए आप दूसरे आप शोरूम पे चले या खाने पे, 17% सेल टैक्स, गरीब आदमी से टैक्स ले रहे हैं मेरे भाई, वो कहां से जिसकी 15,000 तक, आप लोगों से जो इनकम टैक्स लिया जाता है सालाना तौर पर, उसके ऊपर जब सवाल किया जाता है तो फिर हड़ताल हो जाती है, मैं हमने कहा हड़ताल करिए, हड़ताल तो खुद करवा रहे हैं सबको, सब पूरी मजेदार बात वाले बचे हुए एक मजेदार बात, आप तो यहाँ चले बैठे हुए हैं, इसके जो है वो खिलाफ हैं, मुखालिफ नजर आ रहे हैं मुझे हुकूमत के, लेकिन बहुत सारे ताजिर ऐसे हैं, जब हड़ताल की कॉल की गई थी कहीं पर हड़ताल की गई थी, कहीं पर नहीं भी की गई थी, इसका मतलब कुछ ताजिर बिरादरी ऐसी है जो सपोर्ट कर रही है इस सिस्टम को। 80% हड़ताल कराची में कामयाब हुई है, मैं खुद हड़ताल में शामिल था, 80% अब देखो नादीदा कुवतें या कुछ ऐसी काली भेड़ें सब जगह है, हर जगह काली भेड़ है, कुछ गवर्नर से मिल लिया, गवर्नर लॉलीपॉप दे दिया, आप हड़ताल 3 दिन हड़ताल पर जा रहे, हड़ताल तैयार हो गई थी, लॉलीपॉप नहीं, यहाँ पर बैठ के बात करें, कुछ भी बैठ के बात करें, गवर्नर साहब तो मिले ही नहीं है, चंद आदमी अपनी मनपसंद आदमी से मिल लिया, मनपसंद मुलाकात कर ली, हर आदमी से थोड़ी बोला, इमरान खान हमसे मिलता, हमसे बैठ के बात करता, डर बात ही नहीं करी, किसी बड़े बड़े ताजिरों को बुला लिया, बड़े बड़े लोगों को सामने बिठाए, तस्वीरें दिखाई, ये लोग बैठे हुए, आप ज़्यादा मत बोले,
वो खामोश होकर चले गए, उन्होंने भी कुछ बात नहीं करी। अब करना क्या है, आगे लाए अमल क्या है? अगर चे हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे तो हम हड़ताल पे जाएंगे, एक दिन की हो, दो दिन की हो, 18 दिन की हो, 19 दिन की हो। नुकसान किसका होगा इसमें? नुकसान क्या, सबका कारोबार, हमारा नुकसान नहीं हो रहा क्या? हमारा कारोबार बंद नहीं पड़े हुए क्या? सबका बंद पड़ा हुआ है, हर आदमी हड़ताल करने को तैयार है। ये बैठ के बात कर ले, हड़ताल नहीं होगी। अगर नहीं बैठ के बात कर, हड़ताल टैक्स लगाया गया इसकी वजह से सारा नुकसान हो रहा है आपका कहना है। टैक्स लगाने का तरीका होता है, टैक्स बिल्कुल लगाएं, टैक्स से कोई इनकार नहीं कर रहा। हर आदमी टैक्स दे रहा है। मुझे ये बता दें, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है, कोई प्लान मौजूद है? कि एक होता है कि प्लान दे दिया गया कि खान साहब ये काम ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे कर दिया जाए। मेरे भाई इजी फॉर्म कर, वन विंडो लगा दे, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट पहले निकाल लीजिए 2001 में या 2002, हमने 5000 पहले शुरू में 5 कमरे भर दिया था, इसी तरह डायरेक्ट टैक्स निकाल दीजिए कि 25,000 बढ़ता है वो 35,000 बढ़ देगा, जिसको 20,000 बढ़ता है वो 25,000 बढ़ देगा, 10,000 बढ़ता है 15,000 बढ़ देगा। हर आदमी टैक्स भरने को तैयार है, टैक्स से पीछे नहीं बढ़ते, सही तरीका निकाल दे सब टैक्स भर देंगे। लेकिन आप ही की ताजिर बिरादरी की जानिब से टैक्स चोरी के बड़े बड़े मामलात भी सामने आए हैं, उसके ऊपर कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? और ये आज की बात नहीं है, पिछले 10-20 सालों से ये काम चल रहा है। उनको ये खतरा तो नहीं है कि अगर इन्वेस्टिगेशन बैठ दी गई, फाइलर हो गए तो पुरानी जायदादें भी जस्टिफाई करना पड़ेगी? कहां से कमाई? ताजी बिरादरी कोई भी एक आध कोई ताजी बिरादरी चोर है ही नहीं, ताजी मानते ही नहीं चोर कोई भी है। सर देख, जो 365 आदमी असेंबली में बैठे हुए, पहले उनका पहले कर ले इंतजाम, कर ले बता, वो बता रही हम क्या कर रहे हैं उसको पहले मालूम कर सर, असेंबली की बात में, असेंबली की बात में एमएनए एमपीएस से करता रहता हूँ। कहाँ करते हैं वो बताए, साहब बताए इन्होंने, लिंक भेजूंगा। आप गैर, आप बताए ना कितनी बेनामी प्रॉपर्टियां निकली हुई हैं सर आपके साथ, जिस सवाल किए गए वो तो आपसे किए भी नहीं गए। ताजिर बिरादरी को किस तरह से मुत्तफिका तौर पर लेकर चलना है, इलियास मेमन साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे और ताजिर बिरादरी की नुमाइंदगी कर रहे थे। बहुत सारे इख्तलाफात हैं, बहुत सारे तहफ़ुज़ात हैं जो कहे गए और आई होप आपने सुना होगा और जाना होगा। यहाँ पर एक वक्फा लेंगे और इसके बाद दीगर स्टोरीज भी शामिल करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। K4 मंसूबा कराची में फरामी आपका एक देरीना मसला हल ना हो सका, बड़ी बड़ी बातें की गई थी K4 मंसूबे के हवाले से। वफाक और सिंध का मुश्तरका तौर पर यह मंसूबा था जिसका आगाज़ किया गया था, और जब आगाज़ किया गया था तो 25 अरब रुपये इसकी लागत रखी गई थी, जो कि अब बढ़कर तकरीबन 90 अरब रुपये तक जा पहुँची है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पिछली हुकूमत में इसके लिए फंड्स भी जारी किए गए, और ऑन द रिकॉर्ड बात है कि वफाक की जानिब से पैसे जारी किए गए और सिंध हुकूमत की जानिब से भी खर्च किए गए हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि सिर्फ 15 से 20% जो काम हो सका है, अभी कहीं पर पंपिंग स्टेशंस लगने हैं, कहीं पर जो है वो मुख्तलिफ कंड्यूट लाइन जो है वो बनानी है, बहुत सारे मामलात हैं, ये कब हल होंगे, कब इन चीज़ों को मुकम्मल किया जाएगा? बहुत सारे सवालिया निशान हैं जो बतदरीज जवाबों के मुंतजर हैं कि जवाबात दिए जाएँ इन सवालात के, जो जवाबात नहीं दिए जा रहे हैं। अब इन्हीं लोगों से पूछना पड़ेगा, क्योंकि सिंध हुकूमत से पूछो तो वो कहते हैं कि PTI का मसला है, PTI से पूछो तो वो कहते हैं पीपल्स पार्टी का मसला है। अरे भाई, ये वफाक का और सूबे का दोनों का मुश्तरका मामला है जिसे आप दोनों ने मिलकर हल करना है। अब यहाँ पर मामला है क्या असल, आज जानेंगे। PTI की जानिब से MPA हैं जमाल सिद्दीकी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को ज्वाइन किया। सर ये जानना चाहूँगा, ये वफाक का मसला है या फिर सिंध का मसला है K4 मनसूबा जो कराची के लिए बनाना था? देखिए, पहले तो मैं आपको रिवर्स ये बता दूँ कि K4 जो है पिछले 6 महीने से बंद है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। तो ये प्रोजेक्ट पिछले 6 महीने से बंद है। इसकी 6 महीने से बंद होने की जो वजूहत हैं, वो उसके डिज़ाइन पर को मतनाज़ा बनाने की कोशिश थी। वो डिज़ाइन नेक्स्ट पार्क से वैट करवाया गया, और मेरे ख्याल में वो रिपोर्ट भी आ गई है इनकी कि वो डिज़ाइन नेक्स्ट पार्क ने भी क्लियर कर दिया जब पिछले कंसल्टेंट ने बनाया था। इशू यह है कि 25 अरब के इस प्रोजेक्ट को वफाक और सूबे ने 12.5-12.5 के बुनियाद पर शुरू किया था, लेकिन अलमिया यह है और सिंध हुकूमत का कराची के अवाम को पानी देने में इंटरेस्ट क्या है, मैं जो फिक्र बताऊंगा आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि सिंध हुकूमत को इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी ही नहीं है कि वफाक के और इस शेयर से बनने वाले इस प्रोजेक्ट में, जिसमें वफाक ने अपना पूरा रोल प्ले किया, अब तक टोटल K4 के एक्सपेंस हैं 11.6 बिलियन, तकरीबन 11.5 बिलियन के अखराजात हैं। और आपको सुनकर हैरानगी होगी कि इसमें 9.5 बिलियन रुपए वफाक दे चुका है,
यानी सिंध गवर्नमेंट ने अब तक इस प्रोजेक्ट में जो पिछले 6 साल से ऑपरेट है अब तक सिर्फ 2 अरब रुपए लगाए और वफाक ने 9.5 अरब रुपए लगाए। तो पहले सिंध गवर्नमेंट अपना इंटरेस्ट तो शो करे कि वो कराची के आवाम को पानी देने में कितनी इंटरेस्टेड है, कम से कम अपने हिस्से के तो वो 9 अरब रुपए लगा देती ना, तो यकीन होता कि हाँ दोनों ने बड़ी मेहनत की बनाई है। अच्छा, आपकी हुकूमत भी मुझे इंटरेस्टेड नजर नहीं आती है। जब से पीटीआई की हुकूमत आई है फेडरल में कितना फीसद काम किया गया K4 के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे वादे किए गए थे, मुझे याद है डीसेलिनेशन प्लांट लगाने का, आरओ प्लांट लगाने का, समंदर का पानी मीठा करने का, अगर आपको याद है तमाम वादे किए गए थे। पानी के ऊपर क्या काम किया पीटीआई ने कराची के लिए? मेरे ख्याल में आपको K4 के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है। सर आप बता दीजिए, चले मैं तो तिफल हूँ ना, मैं तो सीख रहा हूँ तालबे इल्म, आप आज बता दीजिए, आवाम सुन रही है आपको। तो मैंने आपको यह बताया ना कि K4 का टोटल एक्सपेंस 11.5 अरब रुपए है, वफाक ने 9.5 अरब रुपए दिए। अब भी आप कहते हैं कि वफाक का इंटरेस्ट नहीं है, और जिस सूबे ने अपना 50% शेयर मिलाना था उसने 2 अरब रुपए दिए। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ आपकी हुकूमत में कितना फंड जारी किया गया। जो ड्यू शेयर था वो मिल चुका है, जो ड्यू शेयर था सिंध गवर्नमेंट को मिल चुका है। मैं आपको अमाउंट बता रहा हूँ कि K4 पर आज तक 11.5 अरब रुपए खर्च हुए हैं, जिसमें से 9.5 अरब रुपए वफाक ने दिए। लेकिन ये जो K4 का मसला है, ये जो मामला है, अगर डिजाइन का मसला है तो ये हल क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, ये इन्होंने कंसल्टेंट हायर किया जिसको इन्होंने 9 करोड़ रुपए दिए, उसने डिजाइन बनाया, उस डिजाइन पे काम हो गया, ठीक है, उस डिजाइन पे काम हो गया, कैनाल बन गई है। अब इन्हें ख्याल आया कि डिजाइन हम चेंज करते हैं, रूट चेंज करते हैं। अब वो रूट चेंज करने की वजूहत जो जराए बताते हैं कि जो इस रूट पर ये ले जाना चाहते हैं, उस रूट पर कुछ मनपसंद लोगों की ज़मीनें हैं, जिस रूट से गुजारना वो बड़ा ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि वो ज़मीनें रूट के तय होते वक्त खरीद ली गई थी, लेकिन बदकिस्मती से कंसल्टेंट ने जो डिज़ाइन बनाया वो उनके रूट पर गया नहीं, तो उनको नुकसान हो गया, क्योंकि वो ज़मीनें सरकार को उन्होंने बेचने दी भारी कीमत पर। तो अब पिछले 1.5 साल से इस प्रोजेक्ट पर 10% काम हुआ है, और पिछले टेनवर में इस प्रोजेक्ट पर 60% काम हुआ है। टोटल इसके जो हमने लास्ट K4 का विजिट किया था अभी 4 दिन पहले, FWO के मुताबिक 70% इसकी लाइनिंग पे काम हुआ है पैकेज ए के ऊपर। पैकेज बी जिसमें पंपिंग स्टेशन है, जिसमें लाइट्स हैं, जिसमें मोटर्स हैं जो शहर को पानी सप्लाई करेंगे, पैकेज बी का जो अभी रेशो है वो 0% है, उसमें काम ही नहीं हुआ। अभी सिर्फ पैकेज ए पे काम हो रहा है, जो लाइन बनाई जा रही है। तो पंपिंग स्टेशन के साथ साथ कंड्यूट भी बनाए जाने हैं, वो भी अभी तक नहीं बने, अभी तक वो भी नहीं बने। तो पिछले 1.5 साल में इस पर 10% काम हुआ है। बदकिस्मत इस प्रोजेक्ट की देखें कि पिछला पीडी जो था वो एक प्रोफेशनल इंजीनियर था, एक अफसर था, इंजीनियर अफसर था, लेकिन मौजूदा पीडी जो है वो इंजीनियर भी नहीं है। ये बात हमें उस दिन पता चली जब हम K4 पे गए, उन्होंने कहा मैं तो इंजीनियर भी नहीं हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि हुजूर, जब आप इंजीनियर नहीं है तो इंजीनियर की जबान कैसे समझेंगे आप, जो इंजीनियरिंग लैंग्वेज होती है काम के बारे में। कहते जी वो तो सिंध गवर्नमेंट से पूछें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सिंध गवर्नमेंट का ये इंटरेस्ट है कि एक कराची की तारीख के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के पीडी एक नॉन टेक्निकल आदमी को लगाया जो इंजीनियर नहीं है। मतलब आप भी पीटीआई भी फेडरल भी इसमें मुश्तरका तौर पर पार्टनर है, तो इसके अंदर फिर एक्शन लिया जाए अगर कहीं पर गफलत है तो। देखिए वफाक निशानदेही आप कर रहे हैं, वफाक सूबे के तरक्की के लिए अपना शेयर मिलाती है, उसको मैनेज और उसको हैंडल सूबा खुद करता है, तो ये सूबे की जिम्मेदारी है। हमने ये बात असेंबली में भी की है, हमने ये बात इससे पहले भी की है, सूबे की हुकूमत के कान पर जुड़ी नहीं रही थी। यानी आज मैं आपको बड़े वाजे बताऊं कि अगर ये जो पैकेज बी है जिसमें ये सारे पंपिंग स्टेशन और मोटर बिजली के कनेक्शन ये सारे चीज़ें शामिल हैं, अगर आज इस पर 100% पेमेंट की जाए तो इसको ऑन होने में कम से कम 24 महीने लगेंगे। अगर आज इन सबको ऑन किया जाए, पैसे दे दिए जाए तो ये प्रोजेक्ट अभी बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, ये सिर्फ कागज़ों में। आपके मुताबिक 24 महीने जो है वो ये 2 साल का अरसा लगेगा, इससे पहले नहीं हो सकता ये कंप्लीट ये मंसूबा। मैं पैकेज बी की बात कर रहा हूँ कि पैकेज बी जो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, पंपिंग स्टेशन बननी है, बहुत बड़ी बड़ी इसमें मोटर लगनी जिसमें पानी फेंकना है, बिजली का कनेक्शन आने, ये सारा पैकेज भी अभी जीरो पे खड़ा हुआ है। मैं पैकेज ए की बात कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ लाइनें बनानी है, और लाइनें भी 70% बनी है। बहरहाल FWO का ख्याल था कि अगर हमें पैसे बर वक्त दे दिए जाएं तो हम इस मंसूबे को 2 साल में मुकम्मल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये पैसे बर वक्त की जो सूरत हाल है, मैंने तो आपको फिगर बता दिए कि 11.5 अरब के एक्सपेंस है, 9.5 अरब वफाक ने दिए हैं, 2 अरब सिंध गवर्नमेंट ने दिए हैं।
सिंध गवर्नमेंट कम से कम बाकी 9 अरब 7 अरब रुपए अपने और मिला दे ताकि उनका शेयर भी बराबर हो जाए, तो 30% जो कैनाल बची है वो भी मुकम्मल हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए। हमें जमाल सिद्दीकी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और वफाक अपना शेयर दे, और सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो चीज़ें करना बाकी रह गई हैं बकौल उनके, लेकिन यहाँ पर जो है वो इंटरेस्ट दोनों को जो है वो शो करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली हुकूमत में तो फंड जारी किए गए थे बकौल इसहाक डार साहब के 25 अरब रुपये जारी कर दिए गए थे, या लगभग इसके करीब रकम थी जो जारी की गई थी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये मंसूबा मुकम्मल कब होगा? लॉलीपॉप तो दिया जाता है, बातें तो की जाती हैं कि एक साल के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। अब जमाल साहब कह रहे हैं कि 24 महीने दरकार हैं पैकेज बी के लिए, अब बहुत सारे मामलात हैं, ये किस तरह कब पाया तकमील पे पहुंचेगा, ये एक ख्वाब है जो मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर एक वक्फा लेंगे, उसके बाद दीगर स्टोरी शामिल करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। नाक़िस सफाई और गैर मयारी अशिया के खिलाफ पहले भी कार्रवाइयाँ की जाती रही हैं, लेकिन एक बार फिर सिंध फूड अथॉरिटी इन एक्शन है और कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। माजी में कहा गया था कि इस पूरे शहर से और पूरे सूबे से जो है वो सफाया कर दिया जाएगा जो गैर मयारी अशिया बनाते हैं, फरोख्त करते हैं, खरीदो फरोख्त के मामलात भी वाजे किए गए थे। अब ये मामला जो सामने आया है, ज़िला वस्ती में कार्रवाई की गई है, सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से कैचअप और निम्को बनाने वाले कारखानों को सील किया गया है, और एक बेकरी भी सामने आ रही है जिसको सील किया गया है, जिन पर जुर्माना भी रखा गया है, 90,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया है। मामला क्या है, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, इसको जानेंगे कि सबसे पहले इस हवाले से कि ये क्यों सील किए गए हैं, किस तरह के मामलात थे वहाँ पर बेकरी में, और कैचअप और निम्को बनाने के जो कारखाने थे उन तमाम चीज़ों को जो है वो आज डिस्कस करेंगे। इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल हमारे साथ मौजूद हैं, सुमेरा हुसैन। मैम बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले इस कार्रवाई के हवाले से, क्योंकि अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कार्रवाई की गई है, मुजरे सेहत अशिया जिस तरह से सर्कुलेट की जा रही हैं इस सोसाइटी के अंदर, किसी की भी जान ले सकती है ये अशिया। बिल्कुल हेलो जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मैं इस कार्रवाई के हवाले से थोड़ा सा डिटेल जानना चाहूंगा। जी जी, ये कार्रवाई हम सिंध फूड अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की टीम फूड सेफ्टी ऑफिसर्स और मेरी सरबराई में ये हमने कार्रवाई की थी। हमारे पास कुछ कंप्लेंट्स मौजूद थी कि इस तरह की कोई ऐसे कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं जो घरों में या बहुत छोटी जगहों पर जो हैं वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बना रही हैं, जिसमें बेकरी आइटम्स हैं, निम्को आइटम्स हैं, उसके अलावा केचप है जो कि घरों में बन रही है। उस पर हमने कार्रवाई की थी, और इस तरह टोटल हम लोगों ने इन लोगों को 90,000 रुपये के जुर्माने भी किए और इनको टेम्प्री प्रोडक्शन इनकी सस्पेंड की है। जिस सूरत हाल में ये प्रोडक्शन कर रहे थे वो इंतहाई नाकस सूरत हाल थी, उसमें सफाई सुथराई तो बिल्कुल नहीं थी। वीडियो क्लिप भी हम लोगों ने शेयर किया है, अगर आप वो अभी दिखा रहे होंगे तो आपको उसमें अंदाजा हो रहा होगा कि किसी तरह किस्म की कोई। अगर मैं चालान के हवाले से जानना चाहूँगा, ये जुर्माना जो आयद किया गया इन पर, क्या कितनी रकम का जुर्माना आयद किया गया है? देखिए, ये हम लोगों ने 30,000 बल्कि ओवरऑल अगर आप देखें तो हमने 90,000 का जुर्माना किया। हमने जो 5 आउटलेट जो हैं ये जो सील किए थे, फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इन पे हमने 90,000 का जुर्माना किया है और इनकी प्रोडक्शन टेम्प्री सस्पेंड की है। टिल द टाइम कि ये सिंध फूड अथॉरिटी की SOPs की कंप्लायंस नहीं करते तो इनकी प्रोडक्शन सस्पेंड रहेगी। अच्छा, अब ये जुर्माना आयद किया गया, सील नहीं किए गए? सील भी किया गया, सील भी किए गए हैं। ठीक है, अब इनको कितना वक्त दरकार है अगर ये सुधार लेते हैं अपनी चीज़ों को? जी, इनको हमने टाइम दिया है, ये तकरीबन 15-20 दिन का इनको हमने टाइम दिया है कि उसके अंदर जो है ये अपनी चीज़ों को सुधारें और उसके अंदर सिंध फूड अथॉरिटी की जो SOPs है उनको मैक्सिमम फॉलो करें। अगर उसके बाद भी हम इनको गाइडलाइंस उसके साथ साथ देते रहेंगे और इम्प्रूवमेंट भी करवाते रहेंगे। हमारी कोशिश यही है कि किसी का कारोबार तबाह ना हो, बस जो SOPs हैं, जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करें प्रॉपरली और एज पर दी क्राइटेरिया काम करें। सुमेरा हुसैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा आपने शुरू में कहा कि कंप्लेंस हमारे पास मौजूद थी, इस वजह से हमने जाकर वहाँ पर कार्रवाई की, क्या सिर्फ ये जो सिंध फूड अथॉरिटी है ये कंप्लेंस के ऊपर कार्रवाई करती है या खुद से जाकर विजिट नहीं किया जाता? नहीं, हम लोग खुद से जाकर भी विजिट करते हैं, रूटीन इंस्पेक्शन भी होते हैं, हम लोग हाईलाइटेड होती हैं चीज़ें जिसके अंदर हम रूटीन इंस्पेक्शन, हमारा एक्चुअली पूरा प्लान बना हुआ होता है, वीकली प्लान बना हुआ होता है जिसमें हम लोग कंप्लेंट्स को भी कैटर करते हैं उस वीकली प्लान के अंदर, उसके साथ रूटीन इंस्पेक्शंस को भी कैटर किया जाता है।
तो जो हम वीकली प्लान बनाते हैं उसके अंदर हम सारी चीज़ों को अकोमोडेट करके मैनेज करके और फिर उस हिसाब से हम लोग जो है वो वीक में कार्रवाइयाँ करते हैं। तो ये जो थी ये कुछ उसमें कंप्लेंट्स थी, कुछ हमारे रूटीन की चीज़ें थी, तो दोनों को मिला के हम लोगों ने जो है ये इंस्पेक्शन किए और उसके बाद जो इस तरह इनको टेम्पररी इनकी प्रोडक्ट। अच्छा, फूड लाइसेंस के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, फूड लाइसेंस इंतहाई अहम चीज़ है, ये लाइसेंस होना, ये इस हवाले से मुझे जानना है कि इस हवाले से कार्रवाई की जाती है कि किसके पास फूड लाइसेंस मौजूद है या नहीं है, या अगर जिनके पास मौजूद नहीं है वो किस तरह सप्लाई कर सकते हैं, ये भी क्राइटेरिया जानना चाहूँगा। देखिए, सिंध फूड अथॉरिटी को भी एस्टेब्लिश हुए 9 से 10 महीने हुए हैं जो हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज स्टार्ट हुई है। लाइसेंसिंग का प्रोसीजर हमारा पाइपलाइन में है, हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज और आउटलेट्स जो हैं और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो हैं उनके हमने इंस्पेक्शन किए हैं। हमारा जो लाइसेंस है इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट। अगर कोई ऐसी जगह हम जाके इंस्पेक्शन करते हैं जहाँ पे जिन्होंने लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया होता है, तो अगर वो हमारी एसओपीज के हिसाब से 70-80% वो क्राइटेरिया भी पूरे नहीं होते तो हम उनको लाइसेंस के लिए रिकमेंड नहीं करते। तो हमारी कोशिश यही होती है कि एटलीस्ट 1 से 2 इंस्पेक्शन उसके ऐसे किए जाएँ अगर उन्होंने लाइसेंस के लिए सिंध फूड अथॉरिटी को अप्लाई किया है, ताकि हम उनका लाइसेंस के लिए इंस्पेक्शन करें और उसके बाद जो है अगर वो हमारी सेटिस्फैक्ट्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट हमें मिलती है टीम की तरफ से तो फिर हम उनको रिकमेंड करते हैं फॉर लाइसेंस पर्पज के लिए। अभी तक हम लोगों ने किसी को लाइसेंस इशू नहीं किया, हमारे विद इन इन पाइपलाइन है और इंशाल्लाह कमिंग वीक में आप देखेंगे कि सिंध फूड अथॉरिटी अपने इनिशियल जो 50-100 लाइसेंसेज जो हैं वो इशू करेगी उन ईसीज और आउटलेट्स को जो मैक्सिमम क्राइटेरिया जो है जो हमारा सेट क्राइटेरिया है उसमें 70-80% उसमें फॉल करता है। अच्छा, सिंध फूड अथॉरिटी का जो अमला है आप उसकी तादाद से मुतमईन है, क्योंकि माजी में ये भी देखा जा रहा था आप ही के साबिक डायरेक्टर की जानिब से कहा जाता था कि हमारे पास अमले की कमी है, हमारे पास फंड्स की कमी है, जिसकी बुनियाद पर हम मौसर तरीके से कार्रवाइयाँ नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, हमारे पास देखें जितना बड़ा स्पेक्ट्रम है जो ये फूड का, आपको पता है कि रेस्टोरेंट कराची में अगर आप देखें तो बहुत सारी इसकी तादाद है, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, आपके वेयर हाउसेज हैं, मतलब हमें एम्प्लॉयज की या फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की आप कहें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इंशाल्लाह कमिंग डेज में हमें हम और ज़्यादा फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं वो हायर करके इंशाल्लाह इस कमी को भी पूरा करेंगे। अभी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबल स्टाफ है, उसी के साथ हम लोग बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो भी इम्प्रूवमेंट हो वो सबके सामने आए और आपको विजिबल चेंज भी नज़र आ रहा होगा। अच्छा, कराची जिस तरह से देखा जाता है रेस्टोरेंट्स की एक अलग ही दुनिया है और शाम को जो आप देखते हैं लोगों का रुझान ज़्यादा है रेस्टोरेंट्स की तरफ, इस ज़मीन में जो आप कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ख़ास तौर पे ये जो किचन्स होते हैं इन रेस्टोरेंट्स के, इधर जाकर कार्रवाई की जाती है, देखा जाता है, चेक एंड बैलेंस किया जाता है, इन कार्रवाइयों से कुछ बेहतरी आई है, आपको नज़र आ रही है बेहतरी कराची शहर में? बिल्कुल नज़र आ रही है कराची में बेहतरी। आप अब नॉर्मली अब आप जाके देखिए तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो चैलेंज था सबसे बड़ा है कि एटलीस्ट लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें कि सिंध फूड अथॉरिटी एग्जिस्ट कर रही है और वो जो इम्प्लीमेंटेशन और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं वो उस चीज़ को जस्ट एडमिट करें कि हाँ वो चेंजेस लाने की ज़रूरत है और आई थिंक कि वो हमें विजिबली नज़र आता है। एटलीस्ट आप किसी भी रेस्टोरेंट पर जाते हैं तो आपको जब आप एंटर होते हैं तो अच्छा एक ज़िमनी सवाल मेरे जहन में यहाँ पर आया है क्योंकि प्रोड्यूसर साहब जो है वो पूछ रहे हैं ये जो कराची में नाले हैं इन पर भी बड़े जो है वो खाने बिक रहे होते हैं, खाने पीने की अशिया फरोख्त की जा रही होती है, ये फूड अथॉरिटी के डोमेन में आता है या नहीं? देखिए, नाला इज नॉट सिंध फूड अथॉरिटीज डोमेन, हाँ जो फूड वो बेच रहे हैं उसकी हाइजीन बहरा हुसैन जो है वो लाइन पर मौजूद थी और वो इस हवाले से बता रही थी जो कार्रवाई की गई है सेंट्रल में और अप्रिशिएट करते हैं इस कार्रवाई को। इस तरह ये कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ होनी चाहिए, पूरे सिंध भर में ये कार्रवाइयाँ होनी चाहिए क्योंकि सिंध फूड अथॉरिटी पूरे सिंध के हवाले से ये इदारा है, अब इसकी कार्रवाइयाँ जितनी तेज़ होंगी उतनी ही जल्दी ये मुजरे सेहत अशिया से बचा जा सकता है। ये जिस तरह से बनाई जा रही है इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इनकी खरीदो फरोख्त के हवाले से, इन तमाम चीज़ों पर कार्रवाई जितना जल्दी होती रहेगी उतना इन लोगों के, इन रेस्टोरेंट्स मालकान के दिलो दिमाग में खौफ बैठेगा, इन बेकरी मालकान के दिमाग में खौफ बैठेगा और ये जो कारखाने चला रहे हैं ये थोड़ा सा जो है वो होश के नाखून लेंगे, इन तमाम चीज़ों को तेज़ होना चाहिए। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़र हूँ, आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।